गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक बहुत सटीक जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ, कहीं पर जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। आज गुरु पूर्णिमा है, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है, माता पिता पहले गुरु होते हैं, पर इसके अलावा भी एक आध्यात्मिक सांसारिक गुरु बनाया जाता है, तो क्यों बनाया जाता है और किस प्रकार का गुरु बनाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग एक कहावत कह के गए हैं कि पानी पियो छान और गुरु करो जान। पानी छान कर पीना चाहिए और गुरु जान कर करना चाहिए, तो गुरु के बारे में क्या जानकारी निकाली जाए और क्यों निकाली जाए। गुरु तो गुरु होता है, गुरु में किसी प्रकार का दोष हम देखते नहीं, तो फिर गुरु की क्या जानकारी निकाली जाए। तो इंसान अपने दैनिक जीवन में न जाने कितने पाप दिन प्रतिदिन करता है, जब व्यक्ति जीवन में गुरु वरण कर लेता है मंत्रों के द्वारा, मानसिकता के द्वारा, तो वो गुरु उसका हो जाता है। तो जब व्यक्ति दैनिक जीवन में जो कर्म करता है, पुण्य करता है या पाप करता है, तो पाप का जो भार है वो गुरु को उठाना पड़ता है। तो हमें गुरु में ये देखना चाहिए, गुरु को ये जानना चाहिए कि गुरु कितना तपस्वी है, कितनी तपस्या कर और अध्यात्म में कितने बलशाली हैं, तपस्या उनकी तगड़ी है या नहीं है। क्योंकि अगर हमने जीवन में कोई भी पाप किए हैं तो वो हमारे गुरु के सिर के ऊपर जाएंगे, और गुरु अगर उन पापों का भार नहीं सहन कर पाए या उन पापों का शमन अपने पुण्य की ताकत से नहीं, तो गुरु भी डूबेंगे और उनके चेले भी डूबेंगे। कई सारे लोग कई अनेक पंथ के संप्रदाय के गुरु बनाते हैं, तो पानी पियो छान गुरु करो जान, यही बात हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं। और इसी को लिए क्या जानना चाहिए, गुरु के बारे में क्या जानना चाहिए, तो मैंने आपके आगे ये बात रखी है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। मैंने देखा है कई लोग अपने अपने संप्रदाय के पंथ के अलग अलग गुरु बनाते हैं, हमारे गुरु रामपाल जी है, हमारे गुरु राधा स्वामी जी है, हमारे गुरु कबीर साहब है, हमारे गुरु आसाराम जी है, हमारे गुरु जी फलाना जी है, हमारे गुरु जी भिंडा जी है। आप अपने अपने गुरु की तपस्या देखें कि वो तपस्या के बल से कहाँ है और क्या कर सकते हैं, आपके जो दैनिक जीवन के पाप है उनका भार सहन कर सकते हैं या नहीं, और उन पापों को अपने पुण्य के प्रताप से शमन कर सकते हैं या नहीं, उनको ध्वंस कर सकते हैं नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए, फिर आपका बुद्धि और आपके विवेक है, आप बना सकते हैं। एक संत जी की कृपा से, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, एक संत जी जिनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बड़े बिरला संत है, खाटे गांव में आकर आप कभी उनसे मिली है, उन्हीं की मेरे जीवन में जो गुरु बनाने का अवसर मिला, मुझे जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो मैंने संत जी से कहा कि संत जी मुझे आपको गुरु बनाना है, आप मुझे नाम दान दे दीजिए। तो संत जी ने कहा कि बालक, मुझे गुरु बनाने से अच्छा है मैं मंत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को तेरा गुरु वरण करवा देता हूँ। और उन्होंने मंत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को गुरु वरण करवाया मुझसे। मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण है, और इस दुनिया में कोई भी हो, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ जी के गुरु कोई और होंगे, उनके गुरु कोई और होंगे, पर इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं उन सबके महागुरु है भगवान श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे जगत के चराचर के प्राणी मात्र के जीव मात्र के जो गुरु है वो भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण की ताकत का अंदाजा अगर आप सनातनी है तो आपको है कि बचपन से ही वृंदावन बिहारी लाल ने कितने राक्षसों का उद्धार किया है, कितने अधर्म की शक्तियों का उद्धार किया है। तो मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें प्रेम दीजिए। पर गुरु जरूरी नहीं कि जो संत है वो ही गुरु बनाने के योग्य है, गुरु जान करके उनके बारे में जानकारी लेकर के, उनके बारे में मतलब उनके व्यवहार से नहीं, उनकी तपस्या के बारे में जानकारी लेकर आप फिर ही गुरु बनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं, धर्म कार्य करते रहें। भारत माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।